खाना मनपसंद में आपका स्वागत करती हूँ। टुडे वी आर गोइंग टू मेक सेमोलिना केक विद सम टूटी फ्रूटी, और आज हम इसमें कोई कंडेंस्ड मिल्क यूज नहीं करेंगे। अगर आप चाहें तो आप इस रेसिपी में 4 टेबलस्पून कंडेंस्ड मिल्क ऐड कर सकते हैं, बट यू हैव टू अवॉइड द सेम क्वांटिटी ऑफ मिल्क। सो अब हम इसके इन्ग्रीडियंट्स देख लेंगे। इन्ग्रीडियंट्स में हमने लिया है 1 कप ऑफ सेमोलिना यानी कि सूजी, और 2 टेबलस्पून मैदा ऐड किया है मैंने इसमें। 1/2 कप से थोड़ा सा ज्यादा मैंने चीनी ली है, ये पिसी हुई चीनी है। 2/3 कप शुगर है ये। 1/4 कप ऑयल लिया है मैंने यहाँ पर। योगर्ट यानी कि दही, 5 to 6 टेबलस्पून दही है। कार्डमम यानी कि इलायची, 3 इलायचियां क्रश की है मैंने यहाँ पर। रोज एसेंस यूज कर रही हूँ मैं यहाँ पर। 1 teaspoon बेकिंग पाउडर, 1/2 teaspoon बेकिंग सोडा, और यहाँ पर लिया है मैंने मिल्क। मिल्क में इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए डालूंगी, तो आई विल टेल यू द क्वांटिटी ऑफ द मिल्क लेटर। टूटी फ्रूटी ली है यहाँ पर मैंने 2 कलर्स की, आप चाहें तो ज्यादा कलर्स भी ऐड कर सकते हैं। सो नाउ वी विल मिक्स आवर इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं अपना ओवन प्री हीट होने के लिए रख दूंगी। ओवन को 10 to 15 मिनट्स के लिए 180 डिग्री पर प्री हीट कर रही हूँ। सबसे पहले हम टूटी फ्रूटी को जो है वो थोड़ा सा निकाल लेंगे गार्निशिंग के लिए, ऊपर से केक पर डेकोरेट करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने दोनों कलर्स निकाल लिए हैं, थोड़ा सा रेड। बाकी टूटी फ्रूटी को हम मिक्स कर लेंगे एक ही बाउल में। इसमें हम थोड़ा सा मैदा लेंगे और वो डस्ट कर लेंगे अच्छे से इसे, ताकि ये बैठेगी नहीं नीचे केक में, नहीं तो टूटी फ्रूटी जो है वो सारी नीचे बैठ जाएगी। हम इसे साइड में रख देंगे। साथ ही हम अपने सूजी के मिक्सचर में अपना बेकिंग का सोडा और बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स आप वैसे तो दोनों तरह का रवा यूज कर सकते हैं, बट ट्राई टू टेक फाइन सेमोलिना, बहुत मोटा रवा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपका जो केक है वो थोड़ा क्रम्बली सा टेक्सचर हो सकता है उसका। और मैंने इसीलिए मैदा ऐड किया है, ये बाइंडिंग में हेल्प करेगा जो मैदा है, और केक को थोड़ा सा मॉइस्ट बनाएगा। अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने इसे। योगर्ट लेंगे यानी कि दही, ऑयल ऐड कर देंगे। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसी में अपना शुगर ऐड कर देंगे हम। कार्डमम्स ऐड कर दूंगी, मैंने यहाँ पर छिलके अलग नहीं किए क्योंकि ये भी बहुत अच्छी खुशबू देते हैं, आप चाहें तो आप अलग कर सकते हैं। साथ ही मैं इसमें रोज एसेंस ऐड करूंगी, अबाउट 6-7 ड्रॉप्स। सूजी ऐड कर दूंगी, सूजी और मैदा जो हमने लिया है। ये जो रवा है फ्रेंड्स ये काफी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो हम इसमें थोड़ा मिल्क ऐड करेंगे। तो आई विल show you the quantity of the milk. पहले मैं 4 tablespoons milk ले रही हूँ, ये 1/8 cup और 4 tablespoons milk है, हम इसमें इतना ही add करेंगे, I think it will be enough. तो अगर आप मोटा रवा use कर रहे हैं तो आप अपनी रवा को पहले थोड़ी देर के लिए soak कर ले दूध में, उसके बाद आप baking powder और baking soda add करें। हमारा बैटर रेडी है एंड आई एम गोइंग टू ग्रीस माय पैन। देखिए यहाँ पर मैंने पार्चमेंट पेपर लगा लिया है, अच्छे से ग्रीस कर लेंगे हम इसे। अब हम थोड़ी सी टूटी फ्रूटी जो है वो इसमें नीचे बेस में डाल देंगे, ताकि आप ऊपर या नीचे किसी भी तरफ से सर्व करना चाहें इसे तो आप सर्व कर सकें। अब हम इसे अपनी टूटी फ्रूटी को इसमें मिक्स कर देंगे। डोंट ओवर मिक्स योर बैटर। ये देखिए हमारा बैटर जो है वो रेडी है, अब हम इसे क्विकली इसमें ऐड करेंगे अपने पैन में। जो हमारा ओवन है वो प्रीहीट हो चुका है, तो हम अपना
केक जो है वो ओवन में रख देंगे बेक होने के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ओवन जो है वो प्री हीट हो चुका है, 40 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। तो वी विल चेक इट आफ्टर 40 मिनट्स ऑन 180 डिग्री। मैं इसे 40 मिनट्स पर सेट कर रही हूँ, 180 डिग्री पर। ये देखिए 180 डिग्री पर 45 मिनट्स के लिए सेट किया है, और जो मोड है वो है कन्वेक्शन मोड पर मैंने इसे बेक करने के लिए रखा है। या फिर आप ऊपर और नीचे दो रॉड्स बनी होती हैं जिसमें आई विल शो यू द क्लोजअप। ये देखिए फ्रेंड्स, आप इसे इस मोड पर यानी कि जिसमें ऊपर नीचे रॉड्स बनी हैं इसमें बेक कर सकते हैं, या फिर आप इसे इधर इस पर भी बेक कर सकते हैं। नाउ वी विल चेक इट आफ्टर 40 मिनट्स। ये जो बची हुई टूटी फ्रूटी है हमें ऊपर से आफ्टर 20 मिनट्स ऐड करेंगे ताकि ये जलेगी भी नहीं और इट विल लुक गुड। देखिए फ्रेंड्स, 20 मिनट्स हो गए हैं और अब हम अपने केक पर अपनी टूटी फ्रूटी जो है वो ऐड कर देंगे। इससे ये नीचे बैठेगी नहीं। अगर आप चाहें तो आप पहले ही ऐड कर सकते हैं इसे। तो अब हम और 20 मिनट्स के बाद चेक करेंगे इसे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो केक है वो 40 मिनट्स हो चुके हैं उसे बेक होते हुए। हम इसे बिल्कुल सेंटर से चेक करेंगे। अभी ये हुआ नहीं है तो हम इसे 10 मिनट्स के लिए और रखेंगे बेक होने के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे 55 मिनट्स लगे हैं अबाउट बेक होने में, क्योंकि मैंने जो इसमें लिक्विड ऐड किया था वो थोड़ा ज़्यादा था, सो इट टुक अबाउट 55 मिनट्स। नाउ आवर केक इज रेडी एंड इट इज़ लुकिंग रियली यमी एंड डिलीशियस, यू कैन सी। सो नाउ आई विल टेक इट आउट फ्रॉम द पैन, फर्स्ट रेस्ट इट फॉर 5 मिनट्स। हम ये देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट्स के लिए इसे इसी टिन में रहने देंगे और उसके बाद हम इसे अब कूलिंग रैक पर निकाल लेंगे ठंडा होने के ठंडा करने के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, हम इसे निकाल लेंगे। यू कैन सी द एजेस, आप देख सकते हैं कितना फ्लफी है ये। सो नाउ वी विल फ्लिप इट, हम इसे फ्लिप कर लेंगे अपनी प्लेट पे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो केक है कितना मॉइस्ट है आप देख सकते हैं, ये देखिए। और अभी ये गर्म है तो ठंडा करने के बाद मैं आपको इसे कट करके दिखाऊंगी, तब तक के लिए हम इसे कूलिंग रैक पर रख देंगे ठंडा करने के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो केक है वो रेडी है और अब हम इसे मैं आपको कट करके दिखाऊंगी। मेरी रेसिपी पसंद आई हो देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।